नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम 290 रुपए प्रति क्विंटल को दी स्वीकृति। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों, चीनी मिलों और 5 लाख श्रमिकों को होगा लाभ। किसानों से संवाद से सीएम योगी ने की घोषणा, गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 2.0, 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी योगी सरकार। सरकार असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल करेगी लॉन्च। पोर्टल पर देश के असंगठित श्रमिकों क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा डेटा रहेगा उपलब्ध। सौ दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत। ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए ज्यादा से ज्यादा गांव को ODF प्लस गांव बनाने का अभियान। सुजलम अभियान का उद्देश्य पूरे देश के गांव को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से करना है परिवर्तित। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। गन्ना किसानों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 कर दिया है। इसमें 5 करोड़ गन्ना किसानों, आश्रितों को और चीनी मिलों से संबंधित 5 लाख सहायक श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। वहीं केंद्र सरकार गन्ना मिलों को भी किसानों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अब तक 86,238 करोड़ रुपए दे चुकी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। ये 10% रिकवरी पर आधारित होगा। अभी गन्ने का FRP 285 रुपए है, लेकिन अगर गन्ना रिकवरी 9.5% से कम है तो उसे 275.50 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा। आज के इस 290 रुपए के फैसले से जो किसानों को उनके खर्चे के ऊपर पैसा मिलेगा, द अमाउंट दे विल रिसीव ऑन टॉप ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन, वो 87% हो जाएगा। 87% रिटर्न होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 91,000 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 2,976 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। किसानों की बकाया भुगतान की बात करें तो वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 90,959 करोड़ रुपए के गन्ना बकाया में से 23 अगस्त 2021 तक किसानों को 86,238 करोड़ रुपए के गन्ना बकाया धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। ये दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की भांति सालों साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष या रुकना नहीं पड़ता है। चीनी की निर्यात की बात करें तो चीनी सीजन 2020-21 में 70 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हुए और अब तक 55 लाख टन चीनी निर्यात हो चुकी है, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट के इस फैसले का देश भर के गन्ना किसानों ने दिल खोल कर स्वागत किया है। बहुत अच्छी घोषणा की है जी, पेमेंट भी बहुत टाइम पे मिला है, आप जैसे पहले पेमेंट आ जाता है जी। मोदी जी सरकार ने 5 रुपए किसानों के बढ़ाए हैं गन्ने के खेत पे, गन्ने की फसल पे। ये एक सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, इसके लिए हम सरकार का और मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी लगातार किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उचित से उचित मूल्य किसानों का दिलवाया जाए, और हम धन्यवाद करते हैं सभी लोग के आगे भी अपने प्रयासों से वो किसानों का फायदा करें और मूल्य का बढ़ावा करें। केंद्र सरकार ने जो आज FRP बढ़ाने का निर्णय किया है वो बहुत ही स्वागतार्य है। हमारे यहाँ बाढ़ आने के कारण गन्ने की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो थोड़ा बहुत उसमें से हमको दिलासा मिल जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने बुधवार को इस बात को दोहराया कि इथेनॉल गन्ना किसानों की आय में वृद्धि करने में लगातार योगदान दे रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल गन्ना किसानों को 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, सरकार लगातार किसानों के हित से संबंधित अहम फैसले ले रही है और गन्ना किसानों के लिए बेहद अहम फैसला लेते हुए गन्ने पर लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं इस बारे में और किस तरह से किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा? जी, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है। जब भी कैबिनेट हो या अन्य तरह की नीतियां और निर्णय लेने हो, किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। अभी जब कैबिनेट की बुधवार को मीटिंग हुई तो महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए गन्ना किसानों के हित में सरकार ने एक अच्छा और सकारात्मक संदेश दिया है। जो उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको हम एफआरपी बोलते हैं, पहले 285 रुपए था लेकिन अभी इसे 290 रुपए कर दिया गया है। तो ये जो 5 रुपए जो बढ़ाया गया है, ये प्रति क्विंटल पर है। तो इससे तकरीबन 1,00,000 करोड़ किसानों को एक्स्ट्रा पैसा इसका मिलेगा इस बार जो नया गन्ना प्राइस सीजन आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इस फैसले से भारतीय जो चीनी मिले हैं, किसान है, जो मजदूर है और इससे जुड़े तकरीबन 5 करोड़ लोग हैं, उनको फायदा होगा। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चीनी उत्पादक देश है और देश में तकरीबन 21,77,802 हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतने बड़े विशाल वर्ग को ये जो सरकार का जो निर्णय है, कितना फायदा भविष्य में देगा, इसकी कल्पना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके तौर पर किसानों ने देखी है। कल मैं मेरठ में गया था, वहां भी किसान बहुत उत्साहित थे और खुश थे कि प्रधानमंत्री जब भी कोई किसानों के हित में निर्णय की बात आती है तो पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हैं। और यही वजह है कि जब ये 285 से 290 किया गया एफआरपी, उससे किसानों को न केवल फायदा होने की उम्मीद बढ़ी है बल्कि उनकी जो आमदनी दोगुनी करने का, आत्मनिर्भर बनाने का और आर्थिक सहारा देने का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इसके अलावा जो सरकार ने और भी कई निर्णय लिए कि जो गन्ने का जो रिकवरी होता है, 1 क्विंटल गन्ने में 10 किलो के समथिंग चीनी बनती है, लेकिन अगर 9.5 किलो भी चीनी बनेगी तो उसका मूल्य 9.5 के हिसाब से मिलेगा, यानी 275.50 रुपए प्रति क्विंटल दाम देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा जो सरकार ने एथेनॉल पे बोला है कि उसमें 8.7-8% तक अभी एथेनॉल पेट्रोल में मिलाते हैं लेकिन आने वाले 2-2.5 साल में इसे 20% तक कर दिया जाएगा। तो इससे भी तकरीबन पिछले साल 15,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए, तो इससे उम्मीद बढ़ सकती है कि 3 गुना मतलब 45,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय सरकार की तरफ से देखा गया। तो इस तरह के जो निर्णय लिए गए हैं वो न केवल किसानों की आर्थिक आजीविका बढ़ाने के माध्यम है बल्कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने की सरकार की एक पहल है, जिससे निश्चित तौर पर न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि गांवों में रोजगार बढ़ेंगे और जो विदेशी मुद्रा है वो अर्जित होने का भी बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा चीनी उत्पादक देश है, तो हम लोग जो क्यूबा, ब्राजील, मेक्सिको, पाकिस्तान, चीन, फिलीपींस और थाईलैंड के अलावा जो दुनिया भर के देश है उनमें हम दूसरे नंबर पे आते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे चीनी निर्यात में विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, किसानों के जो आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करने के जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गए। क्योंकि जब पिछले साल का अपन देखते हैं गन्ना प्राइस सत्र का, तो तकरीबन 70 लाख टन चीनी भारत सरकार ने निर्यात के लिए अनुबंध करवाई थी और उसमें 55 लाख टन चीनी निर्यात हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर जो बाकी बची हुई है उसकी प्रक्रिया भी अभी पाइपलाइन में है। तो उम्मीद की जाती है कि जो अगला पेराई सत्र अभी अक्टूबर से शुरू होने वाला है उसमें ये सरकार के जो निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित होंगे। बिल्कुल, किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा साबित होगा और साथ ही जिस तरीके से लंबे समय से कई तरह की मांगें आ रही थी गन्ना किसानों की और बेहद अहम ये फैसला लिया गया है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार लगातार ये बात कर रही है कि इसका प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो चीनी मिलों को फायदा पहुंचेगा, किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। कैसे देख रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस किसानों द्वारा, गन्ना किसानों द्वारा देखने को मिल रहे हैं इन फैसले के बाद? जी, जब हमने कल शाम को मेरठ में सिसोली गांव में जब किसानों से हमने संवाद किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तकरीबन किसान चौपाल में जो लोग आए थे उसके अलावा भी अन्य किसानों से बात हुई, सबका ये मानना था कि जो गन्ने में जो 5 रुपए जो बढ़ाए गए हैं 285 से 290, ये 5 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से जो जब हम बेनिफिट देते हैं तो प्रति इकाई खेत और प्रति परिवार के हिसाब से ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का है, जिससे हमें
आर्थिक जो नुकसान होता था उसकी रिकवरी हो जाएगी। इसके अलावा चीनी मिलों से जो थोड़ा डिले होता था पैसे में उसका जो नुकसान होता था वो भी इससे भरपाई होगी। इसके अलावा साथ ही साथ किसानों को जो गन्ना का जो एथेनॉल है उसके मसले पर सरकार ने जो निर्णय लिया है अगले ढाई साल में हम इसको 20% तक किए जाने की उम्मीद है, उससे भी किसान बेहद उत्साहित है क्योंकि जो गन्ने का जो जो वेस्टेज हो जाता है एक तरह से जिसका उपयोग नहीं होता उससे सरकार ने पिछले दिनों शुगर की जो वेस्टेज है सीरा जिसको मोलासिस बोलते हैं उससे बिजली बनाने का फैसला लिया, कंपोस्ट खाद बनाने का फैसला लिया और जो 7.50 से 8% तक जो एथेनॉल अभी बनाते उसको 20% करने से करीबन 45 करोड़ किसानों को इससे फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि पिछले साल ही 15 करोड़ रुपए किसानों के खाते में केवल एथेनॉल से गए थे, तो उम्मीद है कि ये जो पैसा आएगा तो किसानों के खाते में जाएगा सीधा और उसमें किसान न केवल उत्साहित है बल्कि उनको उम्मीद है कि जो हमारी जो खाद बीज और जो इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं और मेहनत खेती में होती है उनकी जो भरपाई है वो इस बढ़ोतरी से निश्चित तौर पर भविष्य में होगी और किसानों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, किसानों को यकीनन इससे काफी फायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है, गन्ने पर लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 कर दिया गया है। खबरों में आगे रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली स्थित अशोक होटल में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय को लेकर उद्योग परिसंघों के लिए निर्यात संवर्धन और इसमें वृद्धि के उपायों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का उद्योग जगत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत सरकार उद्योग जगत की समस्याओं के निदान के साथ विदेश व्यापार व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देखते हैं ओपी की एक खास रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी क्रम में भारत सरकार मेक इन इंडिया के जरिए विदेशी व्यापार को बढ़ावा देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इसी के तहत राजधानी दिल्ली में लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय को लेकर उद्योग परिसंघों को निर्यात संवर्धन और इसमें वृद्धि के उपायों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का उद्योग तरक्की की ओर अग्रसर है, सरकार उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से अलग अलग एसोसिएशन ने अपने कुछ ना कुछ समस्याएं भी सामने रखी, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जो अपना कमिटमेंट दिया कि हम तो ये करेंगे, जो हमारा टारगेट है हम पूरा मीट करेंगे, वो देख के लगता है कि भारत के उद्योग में बहुत क्षमता है और अब वो क्षमता उभरने का समय आ गया। कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों ने मंत्रालय की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ आज ई कॉमर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो रोड टैप रेट्स हैं वो जो अनाउंस हुए हैं वो थोड़े और बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि उससे पूरे जो टैक्स है हमारे कवर नहीं हो रहे। कई और ऐसे डिटेल मुद्दे हैं जैसे कई हम लोग के इंडस्ट्री में जो हम लोग रॉ मटेरियल जो हम बाहर से मंगाते हैं उन पर ISI BIS की मोहर ज़रूरी हो गई है, वो BIS की सर्टिफिकेशन बाहर की फैक्ट्रियों की हो नहीं पा रही है क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से BIS के ऑफिसर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन चीज़ों में राहत मिलने की बात करी गई है। प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर MSME हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम ये सेक्टर्स भी आ गया है और ये हमारे प्रोडक्ट बहुत एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड में, हमने एक सजेशन दिया है कि ई कॉमर्स के थ्रू इसको प्रमोट किया जाए और ग्लोबल साइट्स बनाई जाए। कार्यक्रम में मौजूद अन्य उद्यमियों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुए लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो एफर्ट्स कर रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात है तो उसमें मैं ये कहूँगा जैसे बहुत सी एसोसिएशन ने मुद्दे उठाए हैं जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पोर्ट पर बहुत सी दिक्कतें हैं उसको, और डिजिटलाइजेशन का एक इशू है। रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं गांव-गांव में जहां माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो डेवलप किए जाएं और उसको ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट पॉलिसी डिफाइन करके एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। भारत सरकार ने जो एक नई जो स्कीम लाई है जहाँ पे खुद अपनी देश की कंपनी US में, UAE में, UK में, हर जगह पे वो सेल कर सकती है, जस्ट वहीं का रजिस्ट्रेशन लेना होता है VAT का या सेल टैक्स का।
तो इसमें हमारी जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम मजबूत बना सकते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार का ध्यान अगले 5 वर्षों में 13 सेक्टरों को 1.97 लाख करोड़ रुपए के PLI निवेश आकर्षित करने के लिए 24 सेक्टरों निवेश पूंजी प्रकोष्ठ यानी ICCV के जरिए कारोबार में सुविधा के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म 739 जिलों के 739 उत्पादों का एक पूल बनाने के लिए 1 जिला 1 उत्पाद और औद्योगिक क्षेत्रों का GIS आधारित डेटाबेस प्रदान करने के लिए इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पर होगा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी क्रम में लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड नाम से इंडस्ट्री और सरकार के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल की संकल्पना को साकार करने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योग को विदेशी बाजार मिलने से विदेशी मुद्रा अर्जित होने के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण काम भी हो रहा। मेरे से की कैमरामैन SP दुबे के साथ मोपी यादव, दिल्ली। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करेगी। गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले गन्ना किसानों का पिछला बकाया भुगतान करा दिया जाएगा। वहीं किसानों के पुराने बिजली के बिल पर ब्याज में छूट देने के लिए सरकार एक मुश्त समाधान योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के किसान नेताओं के साथ बातचीत में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद किसानों को राहत देने के लिए ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री आवास पर गन्ना किसानों के साथ हुए संवाद में किसानों ने गन्ना मूल्य में 3 साल से बढ़ोतरी नहीं होने, किसानों पर दर्ज मुकदमे और डीजल कीमत अधिक होने जैसी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए गन्ना पेराई सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों का संचालन नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा बिजली का बिल बकाया होने के कारण एक भी किसान का विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा किसानों के पुराने बिजली के बिलों पर ब्याज में छूट देने के लिए सरकार OTM स्कीम लेकर जाएगी। करते हैं इसलिए आदरणीय सुरेश राजा जी का अभिनंदन करने के लिए हम हरि बहादुर सिंह बहराइच को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय हरि बहादुर सिंह बहराइच, अग्रा चौधरी धर्मपाल जी बागपत, वो आकर कुछ गुच्छ दें। चौधरी छत्रपाल सिंह बरेली, वो आकर हल प्रदान करें। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में लाभार्थियों को निशुल्क LPG कनेक्शन वितरण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। इससे पहले प्रदेश के 1.47 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मिला। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत चिन्हित प्रदेश के 10 जनपदों में 20 लाख बहनों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए आज प्रदेश के 10 ऐसे जनपद चयनित हुए हैं जहां पर चिन्हित 20 लाख उन बहनों को जिनके पास अब तक रसोई गैस के अपने कनेक्शन नहीं थे, उन्हें रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान कायम रखना जरूरी कदम है। उन्होंने कहा यह पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों के अभियान सुजलाम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट का जल प्रबंधन करके अधिक से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। इस अभियान के दौरान 10 लाख सोक पिट बनाए जाएंगे।
सुजलाम अभियान की शुरुआत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की और इसका उद्देश्य गांव को ODF प्लस श्रेणी में लाना है। और इस दौरान 10 लाख सोक पिट्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 परियोजनाओं और 1 योजना की समीक्षा की गई। इन 8 परियोजनाओं में 3-3 परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं, जबकि 2 परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राज्य के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की निगरानी रखने का भी निर्देश दिया। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की योजना को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त नाम है। और आइए अब देखते हैं मंडी भाव। घरेलू स्तर पर बाजरे की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल बाजरे की पैदावार 10.86 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो इस साल बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 4 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 20 अगस्त को जारी ताजा आंकड़े के अनुसार देश भर में 62,88,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बाजरा बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 66,96,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहां के ज्यादातर मंडियों में बाजरे का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहां की देहगांव मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,670 रुपए, 25 अगस्त को इसका भाव 62 रुपए गिरकर 1,732 रुपए हो गया। वहीं राज्य की जम्बूसर मंडी में 25 अगस्त को बाजरे का भाव 50 रुपए गिरकर 1,700 रुपए हो गया, जबकि 24 अगस्त को यहां इसका भाव रहा 1,750 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए, 25 अगस्त को यहां इसका भाव 50 रुपए टूटकर 1,450 रुपए हो गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहां की लालसोट मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,480 रुपए, 25 अगस्त को इसका भाव 45 रुपए की तेजी के बाद 1,525 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की आगरा मंडी में बाजरे की खरीद 5 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 1,475 रुपए पर हुई, जबकि 24 अगस्त को यहां बाजरा 1,480 रुपए पर बिका। इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है।
देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,80,14,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,85,45,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। फिलहाल बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 24 अगस्त को सरसों का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 450 रुपए गिरकर 6,750 रुपए हो गया। राजस्थान की कोलूवाला मंडी में सरसों का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 25 अगस्त को इसका भाव 24 रुपए बढ़कर 7,125 रुपए से 7,149 रुपए हो गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में 25 अगस्त को सरसों का भाव 200 रुपए के उछाल के बाद 7,400 से 7,600 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की आगरा मंडी में सरसों की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहां 24 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,650 रुपए, 25 अगस्त को यहां इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 6,660 रुपए हो गया। राज्य की ही लखनऊ मंडी में सरसों की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहां 24 अगस्त को इसका भाव रहा 6,200 रुपए, 25 अगस्त को यहां इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर टिका रहा। और इसके साथ ही किसान समाचार में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।